जनमत की पुकार में आपका स्वागत है। शाहदरा के स्पेशल स्टाफ ने हथियार तस्कर को रंगे हाथों पकड़ा। शाहदरा जिले के स्पेशल स्टाफ ने गुप्त सूचना के आधार पर हरियाणा के रहने वाले एक हथियार तस्कर को पकड़ने में बड़ी सफलता हासिल की है। आरोपी के पास से 10 अवैध देशी पिस्टल और 11 जिंदा कारतूस बरामद किए गए हैं। शाहदरा डीसीपी सुरेंद्र चौधरी के अनुसार 10 फरवरी को गुप्त सूचना मिली कि एक हथियार तस्कर सीमापुरी इलाके में अवैध हथियार देने आ रहा है। सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए इंस्पेक्टर दिनेश आर्य के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया गया। टीम में सब इंस्पेक्टर सुनील अनिल, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर प्रमोद, ललित दीक्षित, हेड कांस्टेबल अनुज, राजीव, विजय, मनोज, राकेश, सुनील और कांस्टेबल शामिल थे। टीम ने सीमापुरी बस डेपो के पास जाल बिछाया। एक संदिग्ध व्यक्ति को देखकर टीम ने उसे रोका, लेकिन वह भागने लगा। थोड़ी दूर पीछा करने के बाद उसे पकड़ लिया गया। उसकी पहचान प्रवीण उर्फ पिन्नी उर्फ पूनी के रूप में हुई। उसके पास से 10 देशी पिस्तौल और 11 जिंदा कारतूस बरामद किए गए। इस मामले में सीमापुरी थाना में FIR दर्ज की गई है। पूछताछ में प्रवीण ने बताया कि वह हरियाणा के रोहतक का रहने वाला है। उसने देहरादून के ग्राफिक एरा इंस्टीट्यूट से होटल मैनेजमेंट में डिप्लोमा किया है। पढ़ाई के बाद वह गलत संगत में पड़ गया और नशे का आदी हो गया। नशे की पूर्ति के लिए उसने गाड़ियां चोरी करना शुरू कर दिया, जिसके लिए उसे जेल भी जाना पड़ा। जेल में उसकी मुलाकात हथियार तस्करी करने वाले अपराधियों से हुई। हरियाणा में गैंग वार के कारण अवैध हथियारों की मांग को देखते हुए उसने वहां हथियारों की सप्लाई शुरू कर दी। वह पश्चिमी उत्तर प्रदेश के हथियार तस्करों से सस्ते में हथियार खरीदकर हरियाणा में ऊंची कीमत पर बेचता था। 10 फरवरी को वह दिल्ली अवैध हथियारों की खेप लेने और सीमापुरी बस डिपो के पास एक सहयोगी को देने आया था। उसने बागपत जिले के पवन से 10 देशी पिस्तौल लिए थे, लेकिन उसे पुलिस की मौजूदगी का अंदेशा हुआ, इसलिए भागने की कोशिश की, लेकिन वह पकड़ा गया। अगर आपने हमारा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। तो मिलते हैं फिर किसी और खबरों के साथ। नमस्कार।